हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक पेंटिंग सिखाने जा रही हूँ जिसमें रेड कलर और येलो कलर का इस्तेमाल हुआ है। इसको मैंने खुद ही ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें फूल बनाएंगे, बाद में पत्ते। सबसे पहले रेड कलर लेंगे, बाद में येलो कलर लेंगे और हम ब्रश से फूल पे करेंगे और जो आ रहा है जहाँ पर जो कलर जैसा आ रहा है उसको वैसा ही टच करेंगे। फिर येलो कलर लेंगे रेड कलर के बाद, फिर जैसा आ रहा है जहाँ पर जो भी उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर देखिए, फिर मैंने रेड में लगाया, येलो में लगाया और फिर बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। फिर मैंने रेड लिया, फिर मैंने येलो लिया, अब हम पत्तियों को बनाने के लिए ग्रीन कलर लेंगे। इसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज है। इस तरह से बनाएंगे, फिर से देखें किनारे किनारे करके जिस रूप में पत्ती शेप गया हुआ है उसी शेप में ब्रश को चलाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने सारी पत्तियों को बना दिया है। अब मैं फूल के नीचे का जो डंठल के ऊपर ये रहता है उसको मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे गुलाई करना है। इसमें भी पत्ती वाली टेक्निक अपनानी है, किनारे किनारे करके बीच में हल्का सा ड्राई देना, ड्राई ब्रश का लुक देना। अब इसी तरह से जो बर्ड्स है बना लेंगे। अब हम ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे डंठल बनाने के लिए। डंठल बनाने के लिए हम एक नंबर का ब्रश यूज करेंगे क्योंकि डंठल बहुत पतला है। फिर थोड़ा सा ग्रीन में ब्लैक मिला के डार्क ग्रीन करके हल्का सा कहीं कहीं टच देंगे हाईलाइट के लिए।
किस तरह से कहीं कहीं टच कर देंगे ताकि हाईलाइट हो जाए। ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, ये पेंटिंग कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो में हम और अच्छा से अच्छा पेंटिंग सिखा सकें।